प्रदेश में इस वक्त कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है और सीएम ने वीसी के जरिए इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सोमवार सुबह की क्या स्थिति है इसको लेकर बात की है हमारे अलग अलग जिलों के संवाददाताओं ने। सबसे पहले जानते हैं राजधानी जयपुर के हाल। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, काफी ज्यादा संकट अब गहराता जा रहा है प्रदेश के ऊपर भी, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में दिन ब दिन यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में चूंकि आप काफी बारीकी से स्थिति का परीक्षण कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या हालात है फिलहाल? देखिए बिल्कुल जति, लगातार जो टीम है, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, लगातार पूरे जयपुर शहर में जो रामगंज का जो एक इलाका जो मुख्य निकल करके सामने आया, जहां से इतनी भारी संख्या में जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको लेकर के अब सबसे ज्यादा ये अहम कड़ी सामने आई है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग की जाए। और वही जो सिलसिला है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो यहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से जो स्क्रीनिंग कर रहे थे, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल विभाग की जो टीमें हैं, वो लगातार स्क्रीनिंग करी, उसके साथ यहाँ पर जो बदसलूकी की जो बातें सामने आ रही थी, उनके जो जान जोखिम में डालने वाली जो बातें आ रही थी, लगातार उन पर हमले हो रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल यहाँ पर एक मीटिंग ली थी और हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान भी यहाँ पर साफ सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया है कि जो भी मेडिकल की जो टीम है, जो लगातार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जो स्क्रीनिंग करने जा रही है इलाकों के अंदर, उनको सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और इसी मकसद से यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है लगातार, वो इन स्क्रीनिंग करने वाली टीमों के साथ यहाँ पर लगातार जा रही है। हर इलाके के अंदर 25-25 मेडिकल की टीमें गई है, तो उनके साथ हर एक टीम के साथ यहाँ पर 5 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जो पुलिस की जो मेडिकल की जो टीम है लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। मगर चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, उस पर कैसे लगाम कसी जाए और उस पर सख्ती से कैसे पालना की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने यहाँ पर जो सरकार है, उन्होंने भी यहाँ पर जो ACS होम है, उनको यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी जिला SPs हैं, जितना IG रेंज है, सभी IG रेंज को आदेश जारी कर दिए हैं कि वो इस आदेश की यहाँ पर सख्ती से पालना कराई जाए। लॉकडाउन का जो उल्लंघन हो रहा है, धारा 144 का जो उल्लंघन हो रहा है, उन पर सख्ती से पालन किया जाए। जब तक इस पूरे मामले में सख्ती से पालना नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का जो प्रकोप लगातार बढ़ता रहेगा, लोग है उसकी चपेट में आते रहेंगे, और उसके लिए जरूरी है यहाँ पर पुलिस उसकी सख्ती से पालना की जाए। अच्छी बात ये भी है यहाँ पर जैती कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के 50 प्रकरण अभी तक दर्ज हो चुके हैं। यदि मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको, 50 प्रकरण है इस पूरे मामले में दर्ज हुए हैं और करीब 300 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट किया जा चुका है। लगातार जिस तरीके से उन्माद फैल रहा था, सोशल मीडिया पे लगातार भ्रामक प्रचार किया जा रहा था और लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, धारा का उल्लंघन किया जा रहा था, उसके चलते यहाँ पर भारी संख्या में ये जो मुकदमे दर्ज किए गए, 50 मुकदमे कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के इतने जिले हैं, उनके अंदर लगातार इस तरह की घटना। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद यादवेंद्र। राजधानी जयपुर से आपको हालत बता रहे हैं। लॉकडाउन यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में है। राजधानी में भी पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है लॉकडाउन को लेकर, काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर समीक्षा खुद। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए भीलवाड़ा से वन संवाददाता योगेश शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, भीलवाड़ा में फिलहाल क्या स्थिति है? चूंकि भीलवाड़ा को अब एक आदर्श क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, जिस प्रकार से पहले इतने मामले सामने आए और उसके बाद में जिस तरीके से नियंत्रण किया गया स्थिति पर। भीलवाड़ा में आज ये माह कर्फ्यू का 4th दिन है और कर्फ्यू का 18th दिन है। यहाँ पे पुख्ता व्यवस्थाओं के कारण हर चीज कंट्रोल में है। भीलवाड़ा में विगत 2 दिन में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या नहीं बढ़ी है। जिस हिसाब से कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने जो व्यवस्था या मैनेजमेंट किया है, तारीफ काबिल है और कैबिनेट मुख्य सचिव ने भी इनको सराहा है और पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल को लेके भीलवाड़ा को आगे किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट किया गया है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में करें और कोरोना के जो संक्रमण चेन है उसको बढ़ने से रोका जाए। जी। योगेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर महाकर्फ्यू है और महाकर्फ्यू का 4th दिन है, तो किस प्रकार से यहाँ पर राशन और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है? चिकित्सा महकमा तो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं आम जनता के लिए वो भी मुस्तैद है? भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू का 4th दिन है, इसमें प्रशासन की जो व्यवस्था है पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। यहाँ हर वार्ड में राशन
सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उपभोक्ता भंडार द्वारा 55 वार्डों में समय समय पर गाड़ियां भेजी जा रही है, जिसमें फल सब्जी और खाद्य सामग्री का वितरण है। गरीबों, निर्धनों और असहाय व्यक्तियों के लिए यूआईटी ने व्यवस्था संभाल रखी है। जो कच्ची बस्ती हो और जहाँ जहाँ पे इनको आवश्यकता है, वहाँ यूआईटी पहुंचकर उनको भोजन और खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है। जी जयती जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। आपको बता दें, भीलवाड़ा से फिलहाल संवाददाता से आपने जानकारी सुनी, बताया कि किस प्रकार से रोल मॉडल के तरीके से भीलवाड़ा बनकर उभरा, पूरे देश के लिए अब एक रोल मॉडल स्थापित हो चुका है। क्योंकि भीलवाड़ा में शुरुआत में काफी ज्यादा केसेस कोरोना पॉजिटिव के दर्ज किए गए, एक बार की पैनिक स्थिति यहां पर बन गई थी, पूरे देश की नजर में भीलवाड़ा आ गया था। लेकिन किस प्रकार से यहां पर प्रशासन की मुस्तैदी के चलते पिछले दो दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस यहां पर दर्ज नहीं किया गया, महाकर्फ्यू उस पूरे इलाके में लगा दिया गया है। चौथा दिन है आज महाकर्फ्यू का। और आगे की जानकारी के लिए जोधपुर से एवन संवाददाता दयाल सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, जोधपुर में फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना पॉजिटिव का, आज कितने नए मामले अभी तक सामने आ चुके हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, आज सवेरे एक पॉजिटिव मामला सामने आया था, उसके बाद जोधपुर के जो घंटाघर क्षेत्र है आडा आतिराम का उड्डा के पास एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उसे मथुरादास अस्पताल ले जाया गया। और लॉकडाउन का आज 13वां दिन है, पूर्णतः शहर एकदम शांत है, लोग गलियों से बाहर नहीं निकले, जरूरी काम वाले ही निकले, मेडिकल जी, के अलावा किसी को बाहर घर से आने नहीं दिया, पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। जी, स्क्रीनिंग के क्या वहाँ इंतजाम है दयाल, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से संदिग्ध लोग हैं उनके किस बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है? निश्चित तौर पर नगर निगम ने ये बीड़ा उतार रखा है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूर्णतः लगे हुए, हर गली में सैनिटाइज किया जा रहा है, समय समय पर रोड पर भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जो पुलिस ने बैरिकेड बना रखे हैं उनको दिन में 2 बार सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही जिस किसी जगह पर कोई संदिग्ध मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, उस पूरे मोहल्ले को, उस गली को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही वहाँ के जो निवासी है उनको पुलिस सीधे तौर पर हिदायत देती है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो जरूरी काम हो, जरूरी वस्तु खरीदनी या लेनी हो तो उसके लिए आप प्रशासन से संपर्क करेंगे और प्रशासन को वहीं मुहैया कराएगी, वहीं घर पे डिलीवरी करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दयाल। आप जोधपुर से संवाददाता को सुन रहे थे, जोधपुर के हालात का यहाँ पर उन्होंने जायजा दिया, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले रखा है जोधपुर प्रशासन, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। और उदयपुर से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता रवि मल्होत्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या हालात है फिलहाल उदयपुर में, किस प्रकार से प्रशासन यहां बागडोर संभाली हुई है, कोरोना से जंग जीतने के लिए कितना मुस्तैद है प्रशासन? देखिए, उदयपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों के अंदर जो है मल्लातली क्षेत्र के अंदर 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उसके बाद जो है मल्लातली, रजा कॉलोनी, अम्मा माता, इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर बिल्कुल भी किसी का प्रवेश नहीं है, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वही वहां तक जो है सामान पहुंचा रही है। इसके अलावा अगर पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में भी लॉकडाउन का असर खासा देखा जा रहा है, सड़कें सुनसान पड़ी हुई है, जो जरूरी सेवाएं हैं वो जरूर उसके लिए लोग जरूर अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सुबह का जो वक्त है 11 बजे तक का, तब तक अपने काम से निपटा लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अपने ही जा रही है, दुकानदार सामान भी दे रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि लोग ज्यादा भीड़ ना करें। और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफी पुख्ता है, यहाँ पर पुलिस की जो पुलिसिंग टीम है वो लगातार हर चौराहे पर, सड़कों पर, गलियों पर नजर बनाए रखे हैं, अगर कोई बेवजह घूम रहा है तो उसको पाबंद भी किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों को जो है 191 में भी गिरफ्तार किया गया है, 2 दिन पहले ही 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर उदयपुर में फिलहाल अभी क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो एक जो क्षेत्र है उसको कर्फ्यू जोन में रखा गया है, और वहां तक जो सुविधाएं हैं खाने के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, ये सब प्रशासन की ओर से पहुंचाया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रवि। आपको उदयपुर से संवाददाता उदयपुर के हालात की जानकारी दे रहे थे, आपने उन्हें सुना किस प्रकार से प्रदेश भर में यहाँ पर प्रशासन पूरा मुस्तैद है, बागडोर यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए संभाली हुई है, खुद प्रशासन ने भी और जनता भी काफी ज्यादा भागीदारी अब निभाती हुई नजर आ रही है।